Islamic banking and takaful, we don't want to make you a mufti, and you don't expect to be a mufti after completing this subject. It is just a subject where we need to see how the products or the fundamental principles of Sharia in the form of Quran, Sunnah, Ijma, and other sources are being used to convert conventional financial products, which are largely based on or 100% based on interest. We just wanted to remove that factor out of it. For that purpose, there is a study material which I've just shared with you in the group. This is a guide, or you can say a book, which is developed by Mizan Bank. Mizan Bank is one of the prominent and leading Islamic bank in Pakistan. And they do have a very active research center where renowned religious scholars from different schools of thought have been and are still in the process of guiding them to actually improve their products. So this is where we can see we have to follow this, we will be following this subject, this study material. And remember, this is not the ultimate material. The research is in the process. These products keeps on refining based upon the you can say suggestions given by Islamic scholars. So aaj agar ye cheez theek hai to ho sakta hai kal ko theek na ho, आज अगर ये खराब है तो हो सकता है कल को ये ठीक हो चुके. तो हम लेटेस्ट अवेलेबल नॉलेज जो कि प्रैक्टिकल है उसको यूज करते हुए हम इस सब्जेक्ट को लेके आगे चलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस बुक व्हिच इज ऑलरेडी अवेलेबल यू एंड यू कैन सी इट रिटन बाय डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी. इज अ रीसेंट रिलीजियस स्कॉलर आल्सो. तो इनकी तरफ से ये लिखा गया है. ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स है. अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को ही देख लेंगे तो यू कैन बेटर गेट एन अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर कि किस तरह से ये बुक हाईलाइट करती है. पूरे एक वन टू वन लेके चलेंगे हमारे पास इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर. शुरू में बात होगी पहले चैप्टर पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्लामिक इन इस्लाम. दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स. लैंड लेबर कैपिटल जिसको हम कहते हैं, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Then we talk about objective distribution of wealth in Islam. मकसद क्या है वेल्थ को बार बार डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. Prohibition of riba in Quran and hadiya. Riba means sood. उसके ऊपर उसकी टाइप्स इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट एलिमेंट्स ऑफ वैलिड सेल सेल खियारस मुशारका मुदारबा. ये वो चीजें हैं जिसकी बेसिस के ऊपर इस्लामिक प्रोडक्ट्स डेवेलप की जाती हैं, जिनके प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मुशारका इज फॉर पार्टनरशिप. तो अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो कन्वेंशनल बैंक में क्या होता है, कन्वेंशनल बैंक कहते हैं जी कितना लोन आप कहते हैं 1 लाख रुपए. ठीक है जी, कैपर प्लस 4%, कैपर चल रहा है 8% चल रहा है, 12% आपने इंटरेस्ट पे करना, साल के अंदर आपने इंटरेस्ट पे करना है, आज से आपकी रीपेमेंट शुरू हो गई जी. 1 लाख के ऊपर आप 1,12,000 रुपये साल के अंदर हमें वापस करेंगे. दैट इज कन्वेंशनल बैंक. बट वट इस्लामिक बैंक डू, सो कहते हैं फाइन वट डू यू नीड, 1 लाख रुपये वट डू यू नीड इट फॉर, कारोबार करना है फाइन. वी आर अ पार्टनर, आई एम गोइंग टू गिव यू मनी, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर स्किल्स. ठीक है, पार्टनरशिप पे आ रहे थे, पैसा मेरा स्किल्स आपकी, उसमें जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आप मेरे साथ शेयर करेंगे. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मुशारका. दिए 1 लाख रुपए लेकिन नीयत बदल गई. अब उस नीयत ने एक चीज को हराम बना दिया और एक चीज को हलाल कर दिया. अब दीज टू वर्ड्स आर वेरी स्ट्रांग, हलाल एंड हराम, दे आर वेरी स्ट्रांग. देयर इज नथिंग इन बिटवीन देम. There's nothing in between them. So whenever the word halal or haram is being used, we get to the corners. The main one is the place where we can adjust our needs and secure our needs. So हम कहते हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल हो गया. So हम आगे चल के आगे चीजें चीजों को लेके चलते हैं. तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हम इस्लामिक बैंकिंग में इस्लामिक फाइनेंस में डिस्कस करेंगे. जिनका माइक ओपन है I got a message here, ask slow are you, Faisal, can you verify, is that okay? Yes sir, all is done.
ओके, सो इट मीन्स जिसको स्लो आ रही है वो अपने इंटरनेट का इशू है। Here we go with chapter number one, Islamic economic system. Before we actually go to this word Islamic, हमने कभी हिंदू इकोनॉमिक सिस्टम नहीं सुना, हमने कभी जूस इकोनॉमिक सिस्टम नहीं सुना, हमने कभी क्रिश्चियन इकोनॉमिक सिस्टम नहीं सुना, हमने कभी सिख इकोनॉमिक सिस्टम नहीं सुना, बिकॉज दिस रिलीजन ऑफ इस्लाम हैज एक्चुअली एम्फसाइज्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसलिए हम कहते हैं ये दीन कामल है, हर तरह की इंफॉर्मेशन हर तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करता है। सो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इज बेसिकली फॉर दोज पीपल हु आर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, एंड दिस इज वेयर इस्लाम हैज गिवन देम सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू शुड रन योर इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल होर्डिंग है तो उससे मना किया गया है, जिसे हम जखीरा अंदोजी कहते हैं, उसे मना किया गया, और ये इस्लामिक सिस्टम में मना किया गया और एक्सप्लिसिटली मना किया गया। तो एक इकोनॉमिक सिस्टम की एक बेसिक प्रिंसिपल है कि होर्डिंग जो है क्रिएट्स आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ गुड्स, इट मीन सप्लाई गोज डाउन, व्हेन सप्लाई गोज डाउन द प्राइसेस गोज अप बिकॉज डिमांड इज ऑलवेज सेम। सो हम इस तरह से चीजों को लेके चलते हैं, हम वन बाय वन चलेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा फिलोसफिकल होगा, कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर बात होगी, डिटेल में हम मोस्ट अभी 3-4 लेक्चर्स के बाद ही पहुंचेंगे। और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम व्हिच इज इन कन्फर्मिटी विद द रूल्स ऑफ शरिया, शरिया के ऊपर जो सिस्टम चलता है उसको हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। शरिया के पाथवे टू बी फॉलोड, वो तरीका का जिसको फॉलो करना चाहिए, कौन सा है जी, वो कहते हैं जी दीज आर डिवाइन इंजंक्शंस एंड लॉज, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ हमें रूल्स और लॉज बता दिए उसके ऊपर फॉलो करते जाएंगे, तो हम उसको शरिया कहते हैं, और वो शरिया जो है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को भी हेल्प करती है चलाने में। अब हम वही कहते हैं द शरिया प्रोवाइड्स अ पाथवे टू बी फॉलोड इन ऑल दीज फाइव कैटेगरीज, यानी एक इंसान इन पांच तरह के मामला में अपनी जिंदगी में मान रहता है। बिलीव्स, अकायद क्या है, हम बिलीव है, हमारा अकीदा है, अकीदा तौहीद है कि अल्लाह ताला की जात एक है और उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी कोई औलाद नहीं है, ना उसका कोई बाप है, ना उसकी कोई बीवी है, ना उसको किसी ने पैदा किया और ना उसने किसी को पैदा किया, ये हमारा अकीदा है। देन एक्ट्स ऑफ वर्शिप, इबादत, नफली भी करते हैं, फर्जी भी करते हैं, वाजिब भी करते हैं, और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तस्बीह भी करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, हज और उमरा भी करते हैं, तो ये भी शरिया इसके ऊपर गाइडेंस देती है। देन वी टॉक अबाउट मामला डीलिंग विद अदर्स, जिसे हुकूक उलिबाद कहा जा सकता है, इखलाकियात, इकोनॉमिक्स, माशियात। सो दिस इज वेयर शरिया इन पांच चीजों के ऊपर आपको गाइड करती है, और कैसे गाइड करती है, और इस तरह करती है, कहती है यार कुछ चीजें इजाजत है आपको करने की, दैट इज हलाल, एक्ट्स व्हिच आर परमिटेड, शरिया कहती है हाँ आप ये कर सकते हो, एक्सप्रेसली बता दिया गया, हराम प्रोहिबिटेड मना कर दिया गया, डिक्लेयर्ड अनलॉफुल, और कैसे पता चल रहा है, कुरान से, हदीस से, हदीस भी कौन सी, मुतवातर वाली, अभी हम मुतवातर के ऊपर इसी पैराग्राफ के लास्ट के ऊपर आते हैं, जो मुतवातर हदीस कौन सी होती है, और इजमा, इजमा के ऊपर भी थोड़ी देर तक आते हैं, अभी तक सिर्फ इजमा को यह समझ लें कि जब कोई क्वेश्चन आया, कोई सवाल आया और उसके ऊपर यस या नो में आंसर करना है, तो उम्मत के तमाम उलमा किराम उस चीज के या तो फेवर में होंगे सारे के सारे, या उसके अगेंस्ट होंगे, उसको हम इजमा कहते हैं। सुन्नाह मुतवातर एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नरेशन ऑफ होली प्रॉफिट, रिमेंबर हराम के लिए सुन्नाह मुतवातर का होना जरूरी है, और मुतवातर कौन सी होती है कि वो हदीस नरेट, यानी इतने लोगों से बयान की गया, नरेशन आर इन सच अ लार्ज नंबर दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ देम टू हैव एग्रीड ऑन ऑल इशू, कि इतने ज्यादा लोगों की तरफ से उस हदीस को बयान किया गया कि हो ही नहीं सकता कि वो कोई गलत चीज के ऊपर एग्री करके सारे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये हराम है, फराइज के मैंडेटरी, जिन चीजों का करना जरूरी है, और कैसे पता चला मैंडेटरी है, या तो कुरान में
या वो सुन्ना है मुतवातर में है या इजमा है, चौथा कोई सोर्स नहीं है। अगर आप इधर आते हैं हराम में तो उसमें भी देखिए कुरान हदीस और इजमा फराइज में भी वाजिब ऑल द वेस्ट विच आर डिक्लेयर मैंडेटरी नवंबर, फर्ज में भी वर्ड मैंडेटरी यूज हो रहा है वाजिब में भी मैंडेटरी यूज हो रहा है, लेकिन नीचे क्या गया है, नीचे कहा गया है कि मैंडेटरी ऑन मुस्लिम्स बाय द नरेटर्स विच आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ नरेटर एज सुन्ना मुतवातिर, कि वाजिब की इंटेंसिटी उतनी जरूरी नहीं है जितनी फर्ज की है, क्योंकि फर्ज नरेशन है। Now we move on to the next category. So remember, फर्ज का लेवल पहले है, वाजिब का लेवल बाद है। फर्ज के ऊपर जो जो एग्रीएबिलिटी है वो ज्यादा है, वाजिब के ऊपर एग्रीनेस थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट सुनना, ऑल द एक्शन विच आर रिकमेंडेड, रिमेंबर फर्ज के ऊपर रिकमेंडेड नहीं है, फर्ज के ऊपर मैंडेटरी है। सुनना के ऊपर क्या है, रिकमेंडेड, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किए जबानी अपने अमाल के जरिए, तो उसको रिकमेंडेड रिकमेंडेड किया गया। दैट इज बेसिकली सुन्ना। नवाफिल ऑल द रेस्ट व्हिच आर मेड ऑप्शनल, पेपर में 8 सवाल हैं, 5 करने, 6 कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा हो सकता है कि छठे में शायद नंबर ज्यादा आ जाए और 5वें में कम हो तो छठे वाले काउंट हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है। और हमारे माशरे के अंदर ज्यादातर हमारी लड़ाई किस पे हो रही होती है, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर, वन इज रिकमेंडेड अनदर वन इज ऑप्शनल। समवन विच इज मैंडेटरी उसके ऊपर हम बहस नहीं करते, समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड उसके ऊपर हम बहस नहीं करते, समथिंग विच इज परमिटेड उसके ऊपर हम बहस नहीं करते। भारत ये हमारे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है और ऑब्वियसली सियासतदान एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगा के जिंदा रहते हैं, और जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इन 6 चीजों में से किसी जनरली लास्ट टू के ऊपर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा के अपनी जो फिक्का है उसको जिंदा रहते हैं। बहरहाल अब आप सब लोग आपके सामने भी देख रहे हैं कि कौन सी चीज अपनी इंटेंसिटी वाइज कहाँ पे फॉल करती है। शरिया मिलती कहा, यानी वो हमें पाथवे, वो हमें रूल्स, वो हमें चीजें आते कहाँ से, मिलते कहाँ से। फर्स्ट सोर्स इज कुरान, सेकेंड इज हदीस, थर्ड इज इजमा, फोर्थ इज क़ियास, एंड फिफ्थ इज इज्तिहाद। कुरान डिवाइन वर्सेस है, अल्लाह ताला की अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो बातें हैं, कुछ जनरल बातें हैं, कुछ अहकाम की शक्ल में बातें हैं, उन सब को हमने एक जगह इकट्ठा किया, हम में मुसलमानों ने उस वक्त के जब ये उतरती गई वही की शक्ल में, और फिर उसको हमने सेफ कीपिंग के पर्पस के लिए फिजिकल स्ट्रक्चर दे दिया, जिसको हमने पारों के अंदर, रुकू के अंदर और मनाजिल के अंदर डिवाइड कर दिया और आयत के अंदर। तो दैट इज अ कुरान, डिवाइन वर्ड्स, इंसान ना बना सकता है और ना कभी बनाने की जसारत रख सकेगा। तो हमने सबसे पहले अपनी जिंदगी को चलाने के लिए यानी शरिया के लिए अगर कोई चीज ढूंढनी है तो कुरान से ढूंढा, फिर अल्लाह ताला की जात कुरान में फरमाते हुए वो अल्लाह व रसूल हो इन कुल मुमिनीन एंड ओबे अल्लाह एंड हिज मैसेंजर इफ यू आर अ बिलीवर, अगर मानते हो, अगर नहीं मानते तो फिर आपके लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर यू। अगर मानते हो तो फिर पहले अल्लाह को मानो, फिर उसके नबी को मानो। सुनना क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बोली हुई चीज और किया हुआ कोई काम, और रेक्टिफाइड बाय द वली, रेक्टिफाई का वैसे जनरल मतलब होता है ठीक करना, बट यहाँ पे सुनना कि 3 टाइप्स है। पहली बात जो बोल के कहा ऐसे करो या ऐसे ना करो, करके दिखाया या करने से रोक दिया कि ऐसे नहीं करना या ऐसे करना, एक्ट
और एक थर्ड टाइप होती है जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई चीज होती रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया, तो इट मीन्स आपकी रजामंदी शामिल थी, आप उस पर ना बोले और ना आप उसके ऊपर कुछ अमल किया आपने, तो दैट इज कॉल्ड अस सुन्नत। तो दूसरा सोर्स जो हमारे पास जिंदगी गुजारने का है वो क्या है, वो हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और हमारे पास रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल है। हमारे पास रिटर्न फॉर्म में बहुत सारे ऐसे मामला जिनके अंदर हुक्म है, जिनके ऊपर प्रिंसिपल्स हैं, वो हदीस की फॉर्म में है, और हदीस की किताबें हमारे पास अवेलेबल हैं। हम उनकी सेहत के ऊपर, हदीस की जो सेहत है उसके ऊपर आपस में डिस्प्यूट कर सकते हैं, जो कि हमारे मेजर स्कूल ऑफ थॉट का होता रहता है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है बीइंग स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। लेकिन हमारे पास एक सोर्स अवेलेबल है, और आजकल मैं दूसरी क्लास में भी शेयर कर रहा था कि इट हैज बिकम सो इजी, लाइक 10 years ago इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ रेलेवेंट हदीस रिलेटेड टू सर्टेन टॉपिक बिकॉज द आईडी वाज नॉट सो एडवांस्ड एट दिस पॉइंट, बिकॉज इफ समवन वाज सेइंग लुक जस्ट गो एंड जस्ट फाइंड दिस हदीस फ्रॉम सही बुखारी, अब तीन जिल्दे हैं और एक जिल्द के अंदर इतने सफ़े हैं, हजारों सफ़ों में से एक हदीस को ढूंढना हमारे जैसे बंदे के लिए पॉसिबल नहीं था, बिकॉज वी वर नेवर ट्रेन्ड फॉर दैट बुक्स, वी वर जस्ट के कुरान पढ़ लिया, दैट्स यू आर डन, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, नाउ यू गो टू योर एजुकेशन। बट एक एक तालिब इल्म है जो मदरसे का तालिब इल्म है, उसके लिए वो चीज ढूंढना मुश्किल, तो हमारे लिए वो चीज़ें मुश्किल हो चुकी थी। बट राइट नाउ SIT के जमाने में उन सारी चीजों को आपके छोटे से 120 130 MB के ऐप्स के अंदर कन्वर्ट करती है। आई एम अ रेगुलर यूजर ऑफ एन ऐप बाय द नेम ऑफ इस्लाम 360, इट्स अ वेरी गुड ऐप इस्लाम 360, और मजे की बात यह कि उसके ऊपर अभी तक कोई फतवा इस तरह से नहीं आया, क्योंकि वो इस्लाम 360 वाला जो जो कंपाइलर है उस शख्स ने तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट के तर्जमे और तफसीर उसके ऊपर ऐड कर दी है। तो अगर आप एक स्कूल ऑफ थॉट को बिलीव करते हैं और आप दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को तर्जमे और तफसीर के साथ एग्री नहीं करते, तो आपका मसला नहीं, आप अपने जो भी स्कूल ऑफ थॉट का प्रोमिनेंट स्कॉलर है उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं उर्दू में पढ़ लें, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ लें, तो वो मसले ही खत्म हो गए। हमारा ज्यादातर मसला ये रहता है ना कि अगर किसी एक दूसरे शेख के स्कॉलर ने कोई बुक लिख दी है, तफसीर लिख दी है, तो उसकी उस बुक के ऊपर बहस बात नहीं होगी, पहले उसके अकीदे के ऊपर बात होगी, ये तो यूए है, ये तो वो है, तो इसी किताब पढ़ना। तो इस्लाम 360 ने इस चीज को तो सबसे पहले खत्म कर दिया। आई एम नॉट अ पेड एडवोकेट बट आई एम अ स्कॉलरली एडवोकेट फॉर इस्लाम 360 बिकॉज इट्स अ वेरी गुड ऐप। अगर आपके पास कभी टाइम हो और आपने कोई चीज ढूंढनी हो तो आप गूगल की तरह इस्लाम 360 के अंदर सर्च की ऑप्शन है, आप कोई भी टॉपिक लिखते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी मैश हदीस होगी और जिस भी बुक के अंदर होगी, वो मुस्लिम में है या बुखारी के अंदर है या इसके अलावा और भी चार पांच बुक्स वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, तो वो सारी की सारी निकल आएगी आपको, सब उन विद रेफरेंस आए, तो बहुत आसान हो जाता है चीजों को ढूंढना, क्योंकि हमारे लिए फिर पहले मुश्किल था। तो सुनना ये हमारे पास सेकंड प्रायोरिटी है इन टर्म्स ऑफ शरिया, पहले नंबर पे कुरान है, दूसरे नंबर सुनना, थर्ड इजमा कंसेंसस ऑफ स्कॉलर, जब कोई डिस्प्यूट आता है उस डिस्प्यूट नॉट टेक इट एज अ डिस्प्यूट बट समथिंग व्हिच हैज नेवर हैपेंड अर्लियर, एक ऐसी चीज जिसके ऊपर पहले से कभी कोई चीज हमें डिस्कस नहीं हुई, और कुरान से देखा तो डायरेक्ट कोई लॉ हमें नहीं मिला, हदीस यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से भी हमें कोई डायरेक्ट किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल पाई, ठीक है। तो अब क्या किया गया, वो जमा हो गया, अब जमा के ऊपर क्या बात होगी, सारे उलमा किराम को इकट्ठा किया, और अगर वो यूनानिमसली इकट्ठे हो जाते हैं एक चीज के ऊपर, तो फिर इसकी अथॉरिटी जो है वो फिर नंबर पे आ जाती है। लेकिन इजमा करने के लिए पहले आपको पहले दोनों सोर्सेज को यूज करना जरूरी है, और कोई ऐसी चीज जो कि कुरान और सुन्नत के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन है उसको आप इजमा के जरिए हलाल या हराम डिक्लेयर नहीं कर सकते, जो सुन्नत के अंदर हराम है तो वो इजमा के जरिए भी हराम ही होगी, आप उसको हलाल डिक्लेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रिमेंबर, यहाँ पे इजमा के अंदर नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, माय उम्मा शैल नेवर बी कंबाइंड ऑन अ रहर, आपको इजमा के ऊपर इतना यकीन है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर फरमा दें कि मेरी उम्मत कभी भी किसी गलती के ऊपर एरर के ऊपर इकट्ठी नहीं होगी। इजमा के लिए आपको कभी भी कोई शख्स इकट्ठे होते नजर नहीं आएंगे, उलमा कराम हमारी बात नहीं हो रही, उलमा कराम की बात हो रही है जिनके पास ऊपर वाली दोनों चीजों का हमसे ज्यादा नॉलेज थी। नाउ इट ऑल अबाउट कियास, व्हाट इज कियास, मींस टू अप्लाई रिकॉग्नाइज रूल ऑफ शरिया, एक ऑलरेडी प्रिंसिपल है, एक रूल है, एक एस्टैब्लिश्ड है,
जिसकी वजह से आपने एक मामले को सॉल्व किया, तो दोबारा उसी तरह का मामला आ गया। What do you do? You really go for again and research and development and look what could be the possible solution? No, you have already developed a solution. Just apply that solution to the same situation which is already at your hand. In law, it is called as precedent. Precedent means when an incident has happened in past and there were certain decisions which were made. Now a similar incident happened in present. What will you do? You will refer to the previous case and say, look, same incident had happened in the previous time. This was the decision of the judge at that point in time. I just want you to apply the same principle of this situation also. That is what Kya says. You have to what? Apply, recognize rule of Sharia. Jo established hai, isko aap similar things se apply karte hain. What is ishtihad? If I could simply use a simple word for ishtihad, that is research. Research into Islamic Sharia. Research into Quran. Research into Hadith. Research into chaos. There is something new at your end. For example, this Islamic banking is a baby in banking. If the conventional banking is of 70 years of age, Islamic banking is approximately of 7 months old. There is a lot of research to be done on this pattern in this sector. So what these Islamic banking researchers are doing, they are doing ishtihar. They are finding the possible way, they are finding the solution. Look, if there is a situation, हमने एक प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है, वो प्रोजेक्ट अगर कन्वेंशनल बैंक में करते हैं तो वो इस तरह से हो रहा है, हाउ कैन वी लुक का पॉसिबल वे आउट कि हम इंटरेस्ट को कम करके इस प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को इस्लामिक पे के जरिए लेके आए, एंड देन दे स्टार्ट सर्चिंग, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर द पॉसिबल लीड्स, और फिर हम कहते हैं इश्तहार, यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करते हैं और रिसर्च को यूज करते हुए शरिया के कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करते हैं। यहाँ पे एक वाक्य है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से منصوب ہے. Let's look at this one. When the Holy Prophet had intended to send his companion was to Yemen as a ruler and a judge. Hakim or judge بنا کے وہاں پہ بھیجا. He asked him, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ان سے, how will you adjudicate a matter when it will come to you? کیسے انصاف کرو گے جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ آئے گا؟ He said, یعنی صحابی آگے سے جواب دیتے ہیں, I shall decide on the basis of Allah's word. میں اللہ کی کتاب قرآن کے سامنے رکھتے سے فیصلہ کروں گا. The Holy Prophet asked, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, if you do not find it in Allah's book, what will you do? نہیں ملتا اس میں تو کیا کرو گے آپ؟ He said, یعنی صحابی جو ہے ان کی طرح سے جواب آتا ہے, then on the basis of sunnah of Allah's messenger, میں اللہ کے جو messenger ہے, جو پیغمبر ہے, اس کی سنت کو دیکھوں گا, اس نے کیا کیا, انہوں نے اس موقع پہ کیا کیا. پھر آگے سے سوال آتا ہے, if you do not find it even in sunnah of Allah's messenger, what will you do? اس میں بھی نہیں ملتا تو پھر کیا کرو گے؟ He replied, I shall make ishtihad on the basis of my understanding and will not spare any effort to reach the truth. میں سچ کی تہ تک پہنچنے کے لیے کوئی اپنی طاقت کو سائلنٹ نہیں رکھوں گا. ان شارٹ پوری محنت کروں گا, اشتہار کروں گا. And this is where, look at this. The reaction of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. On this, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم tapped the chest of Hazrat Muaz with happiness and said, praise to be Allah who has led the messenger of Allah to do what please Allah's messenger. Allah Ta'ala ki zaat ki badai ho, ki Allah ke nabi ke jo messenger hai, peygamber hai, uska bhi peygamber jo hai, wo Allah ki badai ho, uski jo zaat hai, uski tareef kar rahe hain uske zaman mein. It is important in often a very question whether the doors of ishtihad are still open. No, sawal ye ki kya aaj bhi hum ishtihad kar sakte hain? Yes. اشتہاد از اے لائف فینومینا. میں نے ابھی ایگزامپل دی آپ کو, اسلامک بینکنگ کے اوپر اشتہاد ہی ہو رہا ہے, ریسرچ ہی ہو رہی ہے, قیاس ہی ہو رہا ہے. دا پوائنٹ از, اف سم تھنگ از آلریڈی ڈیسائڈیڈ دین وی ڈونٹ گو فار اشتہاد. بیٹر از ٹو بی اونلی فار نیو ایشوز. اگر کوئی چیز آلریڈی آج سے 100 سال پہلے, 500 سال پہلے, 10 سال پہلے نہیں تھی اور اس کے اوپر اشتہاد ہو کے ایک فیصلہ آ چکا ہے, will not go back into detail unless the previous decision was contrary to Islamic rulings. اگر وہ ٹھیک ہے تو دوبارہ اس پہ اشتہار کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ کرونا آیا تو گورنمنٹ کی طرف سے ریسٹرکشن امپوز کی گئی, ان ریسٹرکشن کو سپورٹ کرنے کے لیے اسلامک ویو بھی لیا گیا, اور اس اسلامک ویو کے اندر ایک حدیث جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی گئی گورنمنٹ ڈفرنٹ چینلس کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, پرنٹ الیکٹرانک کے ذریعے, اور اس حدیث کے اگر الفاظ ملے ایگزیکٹلی ٹھیک طرح سے یاد تو نہیں, لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر کسی علاقے کے اوپر کوئی چھوت کی بیماری آ جاتی ہے تو
अगर आप उस इलाके से दूर हैं तो उस इलाके में ना जाएं, और अगर आप उस इलाके के अंदर मौजूद हैं तो उस इलाके से बाहर ना निकलें. सो दैट वॉज बेसिकली एन ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश प्रिंसिपल रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ द पीपल वेन कोविड वॉज हियर एंड स्टिल इट इज हियर. जी, रोल नंबर 53. आपका क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम सर. सर ये अहदीस हमने स्टार्ट से उर्दू में पढ़ी है, अगर यहाँ पे इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे पेपर में तो कोई मिस्टेक हो जाएगी? ये आप मैंने आप बिल्कुल पहले स्टार्ट में बताया कि आपको आलम दीन बनाने के लिए कोर्स नहीं है, ठीक है ना. मैं आलम दीन हूँ और ना आपको आलम दीन बनाया जा रहा. हम सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामिक प्रोसेसेस कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं अभी तक जो रिसर्चर्स ने निकाले हुए हैं, जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग की रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्लामिक बैंक यूज करते हैं और कर रहे करते रहेंगे. तो हम अगर उस आलमा जो कोर्स होता है 8 साल का, जिसको जो फाकुल मदारिस में है, उसके स्टूडेंट होते हैं और आप इसमें से कॉमा डॉट की भी गलती करते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती होती है अगर ये सवाल आता. लेकिन क्योंकि हम उसमें जा नहीं रहे, हमारे हमसे वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जा रही, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और है. हम मफहूम लेना चाहते हैं बस, और हम बेस बनाना चाहते हैं, और हमारे लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट और इसके बाद शायद इस तरह और कोई सब्जेक्ट आप लाइफ में पढ़ेंगे ना. तो डोंट वरी अबाउट माइन्यूट डिटेल्स, बट ऑब्वियसली ऐसी डिटेल जो कि पूरे के पूरे प्रिंसिपल को खत्म कर दे, ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी देयर. कोई हलाल को हराम बना दे और हराम को हलाल कर दे, ये तो चैप्टर बन नहीं होता. बट इस तरह की डिटेल के वो इंग्लिश में है हदीस, तो हम लिखते हुए हमसे वो ऑब्वियसली इंग्लिश आगे पीछे हो जाएगी, बट ऑब्वियसली इस तरह का सवाल मोस्ट ऑफ नहीं होगा. आई होप सो एवरीवन इज क्लियर नाउ. थैंक यू सर. और किसी के कोई सवाल है इससे ऊपर? ओके, नाउ वी मूव ऑन टू इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक इकोनॉमिक्स. वन फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, इस्लाम कैपिटलिज्म के खिलाफ जाता है. वो कहता है इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स जो है वो अच्छी नहीं है. इट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी. It is very important to know the definition of forbiddance of riba. Riba, sood. Sood kya hai? Haram hai. Ab, bahut sari cheeze hame lagta hai wo sood hai, lekin wo sood nahi hoti. Aur isliye it is important to know for Islam what is riba. Sood kya hai? Misal ke taur pe main bhi pichli class ke andar ek class topic ko discuss kar raha tha. Hamare gali mohalle ke andar इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लोग होम अप्लायंसेस देते हैं, घर की बेसिक जरूरियात है जो हम में से लोग नहीं खरीद सकते इकट्ठी, तो कैपेसिटी नहीं है, बट पार्ट्स में खरीद सकता है. फॉर एग्जाम्पल बाइक की जरूरत है, आपके पास नहीं पैसे, वो होंडा की तो 81,000 रुपीज की होगी, आप 50,000 वाली भी नहीं खरीद सकते. इस तरह आपको सेलफोन की जरूरत है क्लासेस पढ़ने के लिए, आपको पुराना सेलफोन नहीं सपोर्ट कर रहा आपकी इस ऑनलाइन एक्टिविटी को. वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, नई वाली जो 15-20,000 रुपए की है मिनिमम. यू कैन लुक फॉर अ पॉसिबल सोल्यूशन. व्हाट द पॉसिबल सोल्यूशन इज, ले लो चीज पैसे आहिस्ता आहिस्ता दे देना. अब उसके ऊपर जनरल कॉन्सेप्ट ये है लोगों का कि इट इज खराब, बिकॉज वो वॉशिंग मशीन जो 15,000 रुपए की होती है वो लोग 25,000 रुपए की देते हैं, वो बाइक जो 50,000 रुपए की है वो तकरीबन 65-70,000 रुपए की देता है. आप कहते हैं ये तो सूद कमा रहे हैं, वो सूद नहीं कमा रहे. Now let's come to the basic principle. हम इसकी डिटेल में बहुत डिटेल में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन पूरे चैप्टर से हम उसके ऊपर बात कर जाएंगे. इस्लाम कहता है if you involve an asset into your business then it is not haram, it is not riba, it is not sud. But if you charge a fixed amount of money after lending something regardless of the profit and loss of that person जिसको आपने उधार दिया है, then it is सूद. फिक्स्ड हो जाना किसी चीज का वो सूद है, एसेट इन्वॉल्व किए बगैर. अब वो शख्स जो आपको एक वॉशिंग मशीन दे रहा है 15,000 रुपए वाली, 25,000 रुपए की, अगर वो 15,000 रुपए की है तो आप जाके मार्केट से ले ले 15,000 रुपए की, आपको किसने कहा उससे 25,000 रुपए ले. कैन इज समवन फोर्सिंग यू टू बाय इट इन 25,000 रुपीज? नो, यू गो देयर विद योर ओन मनी एंड दैट पर्सन सेज लुक ये 15,000 की है, अगर आप 10,000 रुपए देंगे एडवांस तो ये 20 की मिलेगी आपको,
अगर 5,000 रुपये देंगे तो ये आपको 22 की मिलेगी, अगर आप 2,000 रुपये देते हैं अभी उठा के लगता है तो ये 25 की मिलेगी। Now look at this terms and conditions and analyze it. आप 5,000 रुपये देते हैं, 22,000 रुपये पे डील हो जाती है, मशीन उठा के ले आता है, आप उस मशीन में से सिर्फ 5,000 रुपये के मालिक हैं, लेकिन आप उस मशीन की पूरी मलकियत को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पूरे राइट्स को, बेनिफिट्स को, चीज आपकी पूरी नहीं है लेकिन इस्तेमाल आप पूरी कर रहे हैं। जब आप किसी के घर पर रहते हैं तो उसका रेंट देते हैं, जब आप किसी की मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पार्टनरशिप पे एक किस्म की बन चुकी है और आधी आधी से भी काम आपकी मलकियत है और आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या दूसरी पार्टी का हक नहीं है अपना राइट इस्तेमाल करने का, सरेंडर करके उसके लिए हिसाब से पैसे लेने का? है, और उसने डिस्क्लोज करके बताया कि भाई इतने की मिलेगी, तो ये नहीं कहा कि मार्केट में इतने की है। और आपको भी पता है कि इंस्टॉलमेंट वाली जगह से चीज महंगी मिली है बिकॉज उसने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, सो दिस इज नॉट हराम बिकॉज एसेट इन्वॉल्व हो गया। लेकिन अगर वो कहता है कि जी ठीक है फाइन, मशीन चाहिए आपको, हमें मशीन चाहिए, कितने की है जी? 15,000 होगी। आप कहते आप इस तरह करें, मुझे 15,000 रुपये देते हैं, मैं मशीन जहां से मर्जी ले लेती हूँ, वापस आप कितने पैसे दो? आप कहते जी 22,000 रुपये। दिस इज हराम, आपने एसेट को इन्वॉल्व किए बगैर 15,000 रुपये के लिए 22,000 रिटर्न करने की एक डील कर ली, दिस इज हराम, दिस इज फिक्स्ड। अब आप एसेट को इन्वॉल्व करते हैं वो हराम है। इसी की एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, एक शख्स आपके पास आता है, कहता है 4,00,000 रुपये उधार चाहिए, आप कहते हैं ठीक है क्या करना, कहते हैं गाय ले ली है और उससे ना वो पूछू बेचूंगा तो कर्जा पूरे हो जाएगा, कहते यार ये 4,00,000 रुपये मुझे नहीं पता इसका, जो तुमने करना करो, मुझे महीने का ना तुमने 1,00,000 के पीछे 3,000 सूद देना, सूद भी नहीं देना, कहते 4,00,000 का जो मर्जी करो, आप अपने आप को कह रहे हैं मुझे 1,00,000 का 3,000 प्रॉफिट देना है, और ये 4,000 का प्रॉफिट महीने का 12,000 बन जाएगा, 1,00,000 रुपये को 3,000 को 4,00,000 के ऊपर 12,000 बन जाता है, तो आप मुझे महीने के अंदर 12,000 नहीं देना, कहता ठीक है दिस इज सूट। बट यही टर्म्स एंड कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाए, ये शख्स कहता है 4,00,000 का क्या करना है, तेरी गाय होगा, अगर तेरी गाय की मिल्किंग कैपेसिटी कितनी होगा, तेरी बहुत बुरी भी हुई ना 4,00,000 में तो 8 लीटर तो देगी ही देगी, 4 लीटर सुबह और 4 लीटर शाम, 8 लीटर तो दे ही देगी दूध हो जाए। पहले दूध का रेट क्या करते जी, मैं तो पानी नहीं डालता, 100 रुपये बेचूंगा, 100 रुपये मेरा बेच जाता है, कहते ठीक है ये 4,00,000 पकड़ो, आधा दूध तुम्हारा आधा दूध मेरा, तुम मुझे 4 लीटर के डेली पैसे कैलकुलेट करो, 400 रुपये बनते हैं, महीने के कितने बन गए 12,000 रुपये, महीने के एंड पे तुमने मुझे 12,000 देने हैं, वो जो मेरा भी 4 लीटर वाला दूध है वो तुम बेच दिया करना, पैसे इकट्ठे करना। नाउ दिस इज नॉट सूट, वो जो 12,000 रुपये पहले आ रहा था वो सूट था, अब जो 12,000 रुपये आ रहा है अब ये प्रॉफिट है, बिकॉज आपने एसेट को इन्वॉल्व किया, अपनी नेचर को, अपनी नीयत को तब्दील कर दिया। दिस इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रिबा है क्या है, सूद क्या है। हम आंखें बंद करके बहुत सारी चीजों को हलाल समझ देते हैं, शायद वो हराम होती है, और बहुत सारी चीजों को हराम समझ देते हैं, शायद वो हराम होती है। तो इस सब्जेक्ट के एंड के ऊपर कम से कम हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो चुकी होगी कि हम आंखें बंद करने की बजाय थोड़ी बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करने की कैपेसिटी में होंगे और आंसर दे सकते होंगे कि यार ये चीज हलाल थी या हराम, कुछ ना कुछ तो इसके दरमियान के अंदर मौजूद है। सो We move on to the next topic, which is called the economic philosophy of Islam. Is a way. So, that Islam has no concept of riba because riba is a curse in society. Muashre ke liye riba jo hai, ye bahut bada curse hai, lanat hai. Kyun? It creates monopoly, selfishness, greed, injustice, and oppression. To kya karna chahiye? That Islam, moral ethics, universal brotherhood. कलेक्टिव वेलफेयर, प्रॉस्पेरिटी, सोशल फेयरनेस और जस्टिस का कॉन्सेप्ट देता है, हमने तो इस पे जाना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये डिटेल आप खुद पढ़ेंगे जो अंदर पैराग्राफ के अंदर अवेलेबल, कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि दौलत जो है वो एक जगह पे इकट्ठी ना हो, एक जगह पे पैसे का इकट्ठा होना फायदेमंद नहीं होता। मिलियन डॉलर्स कंपनी की बात हो रही थी, ट्रिलियन डॉलर्स, मैंने एग्जाम्पल दी थी कि एप्पल के पास, सिर्फ एप्पल एक कंपनी के पास तकरीबन 1,000 बिलियन डॉलर्स से ज्यादा पैसे हैं, 1,000 अरब।
और पाकिस्तान का लोन जो है वो इट इज हार्डली अबव 100 बिलियन. दे हैव अप्रोक्सीमेटली 1,000 बिलियन डॉलर्स एंड वी हैव ओनली. सो दैट्स अ कंपनी. वी आर अ नेशन. मोस्ट प्रोबेबली लाइक 2,000 पीपल वुड बी वर्किंग ओवर देयर. 2,000 लोग होंगे. वी हैव अप्रोक्सीमेटली 22-23 करोड़ लोग हैं. So that's the loss. That distribution of wealth is very important. That wealth that stays in few hands, it is not going to benefit for the society. Islam believes in distribution of wealth. This is why our tax system is. This is why our personal identity is bad. Atiyat day. Or we do it. But still, we need to increase it. Aage chalte hain. Importance of economic goals. You know that Islam is opposed to मोनेस्टिसिज्म. मोनेस्टिसिज्म क्या है? दुनिया में कई ऐसे रिलीजन भी हैं कि अगर आप उनको फुल फ्लेज फॉलो करें उन्हीं की हुई सारी बातों को, तो फिर वो कहते हैं कि आप छोड़ दे सब कुछ, लीव इट अपार्ट. जैसे हमने देखा है साधु होते हैं, वो जंगलों में निकल जाते हैं और वो अपनी जो कोई भी उनकी इबादत होता है वो कंप्लीट करते हैं, कोई 10 साल बाद वापस आता है, कोई 15 साल बाद. आगे हम पढ़ेंगे. टेक अ बैलेंस. इकोनॉमिक्स ऑफ द लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. हम ये नहीं कहते कि भाई आप छोड़ दे सब कुछ. जैसे होता है ना हमारे उलमा कराम, नॉट उलमा कराम, हमारे मौलवी हजरात छोड़ते हैं. अल्लाह ताला ने आपका रिस्क लिख दिया है जी, आप करें ना करें आप तक रिस्क पहुंच जाना है, बस और कुछ भी नहीं है. इस तरह के सरमंस होते हैं, तो खुतबे हो रहे होते हैं उनकी बस चले तो वो कहते हैं कि जी आप सुबह उठें और मेरा खुतबा सुनना शुरू करें और मस्जिद में आ जाएं और कोशिश करें रात सोएं भी मस्जिद के अंदर ही, और घर वालों से रोटी छोटी पका के भेज दो 3-4 बंदे आ गए, 3-4 में एक आप हो गए और बाकी 4 जो है ऑब्वियसली कोई और ही होंगे. उनकी बस चले. यानी कई लोगों के अगर आप प्रीचिंग्स को देखें तो वो कह रहे जी बात छोड़ दो, दुनिया में कुछ नहीं रखा, दुनिया फानी है, सब ने यहां से चले जाना. ठीक है, वी नो इट, वी बिलीव इट. व्हाट डज इट मीन? इट मींस के वी द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ द लाइफ व्हिच इज वी विल कवर लेटर ऑन इन टुमारोस लेक्चर, नॉट टुडे, बिकॉज़ आई एम जस्ट गोइंग टू वाइंड अप दिस सेशन. कि हम उसको छोड़ दें? नहीं, उसके लिए भी एफर्ट करनी है, क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ दे दिया गया. अगर सब कुछ हमारी किस्मत में और तकदीर में इतना ही लिखा गया होता तो हमें कोशिश की ये जो सही है कोशिश है ये बेहतर हमारे पास ना होता. ठीक है, हाँ तकदीर में लिखा हुआ है ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन है, लेकिन हम पे छोड़ दिया कि हम कितनी मेहनत करेंगे तो कौन से कॉम्बिनेशन पे जाएंगे, ए पे जाएंगे, बी पे जाएंगे, सी पे जाएंगे, डी पे जाएंगे. लेकिन क्योंकि हमारे ये रिलीजन एक ऐसा फैक्टर है जिसको हाथ लगाते हुए हर कोई डरता है और जिसके ऊपर बात करते हुए हर कोई डरता है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो फनाटिसिज्म और फंडामेंटलिज्म का फैक्टर स्टेट स्पॉन्सर्ड ऐड किया आफ्टर 1970s और उनको हमने एम्पावर किया वेरी रिसेंटली भी, तो पिछले 4-5 सालों में दोबारा से उनको एम्पावर किया है डिफरेंट मोड के जरिए. तो लोग बात करते हुए डरते हैं क्योंकि जो वाजी का रुतबा है वो बड़ी जल्दी लोगों को मिल जाता है. आजकल आप किसी के ऊपर कोई भी तोहमत लगाएं और वो तोहमत ऐसी होती है जनरली जो कि काबिले बर्दाश्त नहीं होती, और आप सेकंड पार्टी की बात सुने बगैर ही इतने तैश में आ जाते हैं. और वो रिलीजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी कॉल ऑफ फेल और हमारे मामला को बहुत स्ट्रॉन्गली कंट्रोल करता है. सॉफ्टवेयर है ना, ये हमारे मामला को कंट्रोल कर रहा है. अभी हमने देखा शरिया क्या है, रहने क्या तरीका कार है, वो रिलीजन हमें प्रोवाइड करता है. तो बहुत सारे लोगों के नजदीक ये रिलीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इबादत का नाम है, लेकिन नहीं. यहाँ पे हम आगे लिखेंगे कि कुछ कॉम्पोनेंट जो है वो इकोनॉमिक भी है. आपको मेहनत करने के लिए, कारोबार करने के लिए, अपने दरिया मुआश करने के लिए कहा गया है. उसकी सिंपल सी एग्जाम्पल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा से जब शादी हुई तो क्या कर रहे थे? वो तजारत कर रहे थे ना, यूज टेकिंग हर वैल्यूएबल आइटम्स उनको बेच रहे थे. तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो डोनेशन लेते थे? नहीं,
अपना बिजनेस कारोबार करते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने अपने नबी जो कि आखिरी नबी है, सबसे ज्यादा पसंदीदा नबी है, उसको भी दुनिया के मामलात में इन्वॉल्व होने के लिए, मेहनत करने के लिए एग्जाम्पल बना के हमारे सामने रखा है, तो हाउ कैन वी सिंपली से कि सारा रिस्क लिखता गया है, तो छोड़ दें दुनिया को और बस आप सारा दिन मसल्ले में बैठ जाओ, देखिए आपको कैसे रिस्क आता है। वो रिस्क उन मुलाना साहब को तो पहुंच जाता है उनके मरीजों के जरिए, लेकिन उनके मरीजों को नहीं पहुंचता, क्योंकि हम उनकी कही हुई बात को फॉलो कर रहे हैं, जो ऊपर से कही हुई बात है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हम आगे चल के देखेंगे, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, दिस इज ओल्ड डिस्कशन समवेयर है, ये देखिए मैनी मिसअंडरस्टैंडिंग और इस्लामिक इकोनॉमिक्स अराइज जस्ट फ्रॉम द कंफ्यूजन बिटवीन द टू फैक्ट्स, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग। Considering economics as the ultimate goal of life and further considering it as a necessity, यानी वो समझते हैं कि हमारे लिए शायद इकोनॉमिक्स ही अल्टीमेट गोल है, नहीं है, जरूरी कंसीडरिंग इट एज अ नेसेसिटी इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉस्पेरस लाइफ थ्रू लॉफुल मींस, ये एक फैक्टर है। अगर अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हो तो मेहनत करें। इवन ह्यूमन लॉजिक कैन कॉम्प्रिहेंड टू शो दैट एन एक्टिविटी बीइंग लॉफुल और मेरिटोरियस और नेसेसिटी इज इनडिफरेंट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज बीइंग द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एंटर थ्रू एन एक्शन। हमारे लिए तो अल्टीमेट गोल इस दुनिया के बाहर है, वी आर हियर फॉर गुड डीड्स, वी आर हियर टू मेक गुड डीड्स, और गुड डीड्स में हलाल कमाना भी एक गुड डीड है। आप कारोबार करेंगे तो 50 और 9 को नौकर रखते हो तो 50 और 9 के लिए आप वसीला बन रहे हैं पैसे का। और आप कहते हैं कि सारे जंगलों में निकल जाओ, सारे जो है वो मारे खेलना शुरू कर देते हो, फॉर वेर यू विल गेट द मनी, फॉर वेर यू विल ईट, फॉर वेर यू विल ड्राइव, ये ऊपर से आएगा नो तो उसे नहीं आना, मतलब सलवा खत्म हो चुका है, वो जिनके लिए आना था आपको चला गया। सो इस नोट के ऊपर हम एंड करते हैं, आज तक तो कोई सवाल है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। यू मे डिफर विद माई स्कूल ऑफ थॉट, मैं जो कह रहा हूँ आप डिसएग्री कर सकते हैं, ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कोई अल्टीमेट डिसीजन नहीं हो सकता, किसी का भी कोई भी अल्टीमेट पावर नहीं है, कोई भी अल्टीमेट रूलर नहीं है यहाँ पे। यू मे डिसएग्री विद मी, डिसएग्रीमेंट्स आर ऑलवेज एक्सेप्टेबल, इसलिए मेरी तरफ से कोई बात आपको बुरी लगी हुई, आपको लगा कि ये ठीक है या आई वुड लाइक टेक माय वर्ड्स बैक, बट वी कैन डिस्कस, डिस्कशन के ऊपर हमेशा जो है वो गौर फिक्र के लिए हमेशा हमारे खुले ही रहने चाहिए, खुले रहते। एनी क्वेश्चन प्लस